बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते इन दिनों राजनीतिक पार्टियां और उनके वरिष्ठ नेता कई शहरों में रैलियां और सभाएं कर अपनी पार्टी के लिए वोट पक्के करने में लगे हैं। ऐसा ही कुछ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। इसी के चलते वे मंगलवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए औरंगाबाद पहुंचे, लेकिन यहाँ पर उनके साथ भीड़ में से किसी शख्स ने बदतमीजी कर दी, जिस दौरान तेजस्वी मंच पर जाकर बैठे और अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे कि उसी दौरान किसी ने उनकी तरफ चप्पल उछाल दी। ये चप्पल तेजस्वी को आकर लगी, जिसके बाद सभा में हंगामा मच गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेजस्वी मंच पर आकर बैठे और इस दौरान वे अपने कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश दे रहे थे। इसी दौरान एक चप्पल उनकी तरफ फेंकी गई। तेजस्वी का ध्यान किसी और तरफ था और वे बच गए। चप्पल उनके पीछे जाकर गिरी, लेकिन शख्स यही नहीं माना और उसी समय उसने एक और चप्पल तेजस्वी की तरफ फेंक दी, जो सीधे उनको जाकर लगी। तेजस्वी की तरफ चप्पल फेंके जाने के बाद सभा में अफरा तफरी मच गई और कार्यकर्ता गुस्सा गए। इस दौरान कुछ लोग उस शख्स को पकड़ने के लिए भी भागे, लेकिन तेजस्वी ने माहौल को संभालते हुए सभा को शांत कराया। हालांकि आरोपी शख्स कौन है भी इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं इस वारदात के संबंध में मामला दर्ज हुआ है कि कहीं इस बारे में भी आरजेडी ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है।